सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की फाइल को डेस्कटॉप पर कैसे सेव करते हैं। नए वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। अगर आपने पुराना वाला वर्जन यूज किया होगा तो उसमें वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली आज का वीडियो सवाल के जवाब में है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक छोटा सा मैटर लिया हुआ है। अब इस मैटर को हम डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ फाइल टैब ऊपर आपको मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, सेव, सेव एज, इन्फो, ओपन, न्यू। ठीक है, तो हमें क्लिक करना है सेव एज पे और यहाँ पर हमको देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऑप्शन मिलते हैं, कुछ ऑप्शन राइट हैंड साइड मिलते हैं। ये पिंड है, मतलब कि यहाँ पे पिन किया गया है, मतलब जब आप सेव करते जाएंगे तो ये अपने आप ही इसको बाय डिफॉल्ट पिन करता जाएगा। ये देखिए ये पिन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है फाइल सेव करने के लिए, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं आपके सामने, दिस पीसी और ब्राउजर। वन ड्राइव से कोई खास हमें लेना देना नहीं है और ऐड अ प्लेस, इसको इन दोनों को आप छोड़ दीजिएगा। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि दिस पीसी पे हम क्लिक कर सकते हैं या ब्राउजर पे क्लिक कर सकते हैं, ब्राउज पे क्लिक कर सकते हैं, सॉरी नॉट ब्राउजर, ब्राउज पे क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने दिस पीसी को सेलेक्ट किया, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, अभी जब सेव करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस पीसी पे हमने सेलेक्ट किया, जब आप दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, डेस्कटॉप मनी फोल्डर मिलेंगे, किस फोल्डर में आप अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप है, पिक्चर है, न्यू फोल्डर है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जनरली हम डेस्कटॉप पर ही सेव करते हैं, तो हमने डेस्कटॉप पर क्लिक किया तो फिर से हमारे सामने वो डेस्कटॉप का पेज ओपन हो गया, जैसा कि पहले वाले में हुआ करता था जब हम सेव एज पे क्लिक करते थे तो इस तरीके का एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाता था। अब यहाँ पर सेम उसी तरीके से आप फाइल का नाम दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेव एज वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, उसके बाद ये सेव का बटन है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपकी फाइल जो है ये डेस्कटॉप पर सेव हो गई। फाइल का नाम सॉरी हमने वहाँ पे मतलब बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया है वीडियो प्रोवाइडर अ पावरफुल वे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे हमने नाम नहीं लिया था, ये देखिए वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। ठीक है, ये वही पेज है जो अभी हमने यहाँ पे सेव किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के पेज को डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं।